हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास के अंदर सीपीटी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट करने वाले हैं। सीपीटी के बारे में जैसे कि आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि आईसीएआई सीए जो कि एक रॉयल कोर्स माना जाता है कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, इसके अंदर बेसिकली आपको 50 मार्क्स का इकोनॉमिक सब्जेक्ट सीपीटी का देना होगा। सीपीटी बेसिकली एक एंट्रेंस टेस्ट होता है सीए लेवल पर। जो 50 मार्क्स हैं वो 11th एंड 12th इकोनॉमिक्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सब कुछ कॉन्सेप्ट्स वही हैं बट थोड़ा हायर लेवल पर हो जाएगा बस। और एक और चीज़, हमने 11th एंड 12th के अंदर टोटली जो पढ़ा था वो था बहुत ही ज़्यादा थ्योरी थ्योरी थ्योरी, लेकिन सीपीटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको आगे ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कुछ लर्न नहीं करना है। बेसिकली वो पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। अगर वो पॉइंट्स आपके माइंड में हैं तो आपका जो भी एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। बेसिकली जो राइट आंसर होगा उसको हम टिक करेंगे और एक ओएमआर शीट दी जाती है आप लोगों को। उस ओएमआर शीट के ऊपर ए भी है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो जो भी पॉइंट है उसको हमें शेड करना होगा कुछ इस तरीके से। ये था एग्जाम का पैटर्न कि हमें किस तरीके से उसका आंसर देना है। बेसिकली अगर एक क्वेश्चन ठीक है तो आपको पूरा का पूरा वो 1 मार्क्स मिल ही जाएगा। हमें नेगेटिव मार्क्स की बात ही नहीं करनी है, बिकॉज कोई भी कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपको वो लर्न नहीं करना है, सिर्फ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। बिकॉज एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सिर्फ जो राइट आंसर है वही तो आपको टिक करना है। ये तो नहीं है कि आपको वो याद होना चाहिए तो आप लिखोगे, आपके सामने लिखा हुआ है, बस आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए कि मेंटली कि आपको याद आ जाए कि हाँ ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, ये मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देखा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट में यही चीज़ होती है। तो वो चीज़ आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम फिलहाल अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है दैट इज इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन। यस, दिस इज द चैप्टर। बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर आपके 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर ये है, और पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स है सीपीटी में वो 50 मार्क्स की वेटेज रखता है। आपको समझ में आता होगा कि अगर 100 मार्क्स वाला पास होता है तो 50 मार्क्स इज लाइक वेरी बिग थिंग। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसी चीज है जो सर के ऊपर से निकल जाए। सारी चीजें इतनी क्लियर होती हैं, इतने क्लियर वर्ड्स होते हैं कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर अगर मैं इसका मीनिंग देखूं तो दैट इज द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स oikos, that means manage, sorry, that means house, and nimin, that means manage. तो आपको ये दो वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि oikos means house and mean means manage, that means economics का जो meaning है management of household। अगर मैं एक simple language में बात करूं तो इसका जो mean है वो basically है management of household। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, एग्जाम में बहुत
क्वेश्चन आया हुआ है कि इकोनॉमिक्स मींस, चार ऑप्शन दिए होंगे आपको, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चारों में से एक ऑप्शन का आंसर होगा मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है तो इकोनॉमिक्स के अंदर दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिससे इकोनॉमिक वर्ड बना है, ओइकोस एंड निमेन। ओइकोस मींस इको और नॉमिक्स मींस निमेन। तो इन दो वर्ड से इकोनॉमिक्स बना है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी ऑप्शन को टिक करना है जिससे कि आपको पूरा एक का एक नंबर मिलेगा। ये तो खैर बहुत एक ही क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, तो हम मल्टी क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन पहले जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कोई थ्योरी पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपको बेसिकली पॉइंट्स क्लियर करवाने के लिए आई हूँ कि अगर कोई डेफिनेशन करनी है तो पर्टिकुलर उसके पॉइंट्स होंगे जो आपको माइंड में रखने हैं। अगर हम कोई भी ग्राफ मतलब कोई भी कर्व्स बना रहे हैं तो कर्व का जो डायग्राम है वो हमारे डायरेक्ट माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हमें कोई भी थ्योरी नहीं करनी है, बिकॉज सीपीटी इज नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट। ये एक आपका कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो बेसिकली वो पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं सिर्फ वही पॉइंट्स हम बेसिकली करेंगे। एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा 300-400 क्वेश्चन करके भी अगर हम सीपीटी का एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो वो बहुत बुरी बात हो जाती है। हम सिर्फ चाहे 50 ही क्वेश्चन करें, लेकिन वो इसी तरीके से करेंगे कि हाँ कि वो 50 से 50 क्वेश्चन आपको सीपीटी एग्जाम में दिखें। ओके, तो आगे चलते हैं। अगर इसका आगे मीन देखें, मीन के ये तो था एक स्मॉल मीनिंग, बाकी आगे अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ आर सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस एक्सचेंज एंड कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेस। तो बेसिकली ये आपकी डेफिनेशन है जो आपको एज इट इज लर्न करनी है। एग्जाम में अगर वो पूछे इकोनॉमिक्स क्या है तो चार ऑप्शन अगर कुछ भी दिए हों तो ये क्या है, ये स्टडी है कि सोसाइटी किस तरीके से चूज करे टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेस। ये आपको चीज याद रखनी है कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है कि सोसाइटी किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करती है। उस चीज को ध्यान में रखना, उस चीज को स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है वो चार पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज वेल्थ। इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ आता है, इकोनॉमिक्स के अंदर वेलफेयर आता है, इकोनॉमिक्स के अंदर स्केयरसिटी आती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है। ये चार चीजें इकोनॉमिक्स में आती हैं, वेल्थ, वेलफेयर, स्केयरसिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक चीज इकोनॉमिक्स के अंदर एक सिंपल सी लैंग्वेज है जो याद करनी है हमें, दैट ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड their resources to satisfy their wants are limited। ये चीज आपको याद रखनी है। उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन रेडी करी गई है कि इट इज द स्टडी ऑफ हाउ अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसी डेफिनेशन को चार पार्ट में बांटा गया है इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट वन इज वेल्थ डेफिनेशन। आपको 11th एंड 12th में सिर्फ आपने इकोनॉमिक्स सुना होगा, आपने ये नहीं सुना कि इकोनॉमिक्स के अंदर चार
फैक्ट्स हैं उसके। आपने सिर्फ यही था कि हाँ इकोनॉमिक्स एक चीज़ है जिसको हमें डिफाइन करना है बस, लेकिन सीपीटी में थोड़ा हायर लेवल है तो अब इकोनॉमिक्स को हम एज एन और डीप देखेंगे कि उसके अंदर वेल्थ डेफिनेशन भी होती है, वेलफेयर डेफिनेशन भी होती है, स्केयरसिटी डेफिनेशन होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन होती है। ये चार डेफिनेशन है बेसिकली जो चारों ही हमें अच्छे से करनी है, बिकॉज एग्जाम में वो चारों में से कोई भी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है। इकोनॉमिक एंड एन इंट्रोडक्शन ये एक बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, लेकिन एज एन ICI CPT लेवल पर अगर मैं देखूं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज ये जो मैंने आपको चार डेफिनेशन बताई है ना, ये और यही डेफिनेशन एग्जाम में दो तीन नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। दो तीन का मतलब है कि दो तीन क्वेश्चन या फिर उससे भी ज़्यादा। अभी तो मैंने सिर्फ इस टॉपिक के बारे में बात करी है कि दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी भी टॉपिक तो आपको और भी दिखेंगे कि इसमें पॉजिटिव इश्यूज भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नॉर्मेटिव है और डिडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव मेथड है, इकोनॉमिक है, माइक्रो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल सिर्फ मैं इस टॉपिक के बारे में अगर बात करूँ इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के बारे में तो इसी के ऊपर ही दो तीन नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। 1 मिनट दे रही हूँ आपको, 1-2 मिनट में इस जो मैंने ये लिखवाया है बेसिकली पॉइंट्स आप देखो, दैट ऑइकोस एंड निमेन, दैट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ हाउ टू चूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देर आर फोर डेफिनेशन। फर्स्ट वन इज वेल्थ, सेकेंड इज वेलफेयर, थर्ड इज स्केयरसिटी, फोर्थ वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप इसे देखिए, देन आगे हम इसका फर्दर इन्हीं को आगे अभी और डिफाइन करते हैं, पहले इतना टॉपिक क्लियर करिए। ओके, तो अब आगे चलते हैं। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वर्ड्स को ही आपको अच्छे से क्लियर करना है। सीपीटी इज नॉट अ थ्योरी जहां पर आप सिर्फ लर्न करें और चले गए, आपके पास प्रैक्टिकल एंड बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो कोशिश करिएगा कि किताबों में ना उलझे रहें और जो पॉइंट्स हैं एज इन समझने वाले वही अच्छे से करें। ओके, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर चार डेफिनेशन है। फर्स्ट वन इज वेल्थ, सेकेंड वन इज वेलफेयर, थर्ड वन इज स्केयरसिटी एंड फोर्थ वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके यहाँ पे बेसिकली ये चार पॉइंट्स हैं जो आपको इकोनॉमिक्स एज एन डेफिनेशन में करना है। फर्स्ट वन इज वेल्थ। अब वेल्थ, वेलफेयर, स्केयरसिटी एंड GND चारों में आपको अलग अलग ऑथर्स मिलेंगे जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है एज एन इकोनॉमिक डेफिनेशन के अंदर। तो वेल्थ के अंदर जो डेफिनेशन है वो लिखी है एडम स्मिथ। ये नाम आपको याद रखने ही है कि किसने क्या करा है, एडम स्मिथ। बेसिकली जो एडम स्मिथ है, अगर इसके बारे में बात करें तो इसने दी है वेल्थ डेफिनेशन, और दो डेफिनेशन दी है इसने। फर्स्ट वन इज एन इंक्वायरी, इनटू द नेचर एंड कॉज causes of the wealth of the
नेशन। फर्स्ट तो इसने ये डेफिनेशन दी है, सेकेंड इसने जो डेफिनेशन दी है दैट इज इकोनॉमिक स्टडीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। पहले इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर करते हैं। वेल्थ डेफिनेशन जो कि फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी इकोनॉमिक्स की, वो लिखी है एडम स्मिथ ने कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इकोनॉमिक्स है वो वेल्थ है। वेल्थ के अंदर क्या है, वो एक इंक्वायरी है जिसके अंदर जो नेचर है एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस, जिसके अंदर नेचर एंड कॉजेज दिए होते हैं वेल्थ ऑफ द नेशन। ये एक ऐसी इंक्वायरी है। सेकेंड जो उसने डेफिनेशन दी है वो दी है कि इकोनॉमिक स्टडीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, वो उसने दिए कि एक प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पर जो एडम स्मिथ है वो बेसिकली दो पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है, स्टडी ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि नेचर एंड कॉजेज दिए होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ आपसे वो डेफिनेशन पूछ लेगा कि हाँ जी बताइए भाई वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ, और आप लगे हैं लिखने के लिए कि हाँ ये डेफिनेशन ये। तो यहाँ पर आपको वो लैंग्वेज लर्न नहीं करनी है, सिर्फ आपको वो बेसिक याद होना चाहिए कि एडम स्मिथ, वैसे तो जितने भी डेफिनेशन है ना हर डेफिनेशन में वो पॉइंट जरूर वो यूज करेगा, जैसे कि यहाँ पर उसने वो वेल्थ पॉइंट जरूर यूज करा है, यहाँ पे भी उसने वो वेल्थ पॉइंट जरूर यूज करा है। तो आपको बस ये याद होना चाहिए कि जो एडम स्मिथ है उसने वेल्थ डेफिनेशन दी है जो कि थी 1972 के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है इसको, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और एक ये वेल्थ वाला पॉइंट, तीनों के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ जी बताइए एडम स्मिथ की डेफिनेशन कब थी, 1972, इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वेल्थ डेफिनेशन जो है इन सब में से कौन सी है, तो ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शंस में ये डेफिनेशन भी होंगी, तो वो डेफिनेशन आपको टिक करनी है, जो भी डेफिनेशन ये वाली होंगी उनमें से ऑप्शन में अगर ये गिवन होंगी तो। तो बेसिकली जो एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी है वो है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, और यहाँ पे जो उसने सेकंड डेफिनेशन दी है वो दी है इकोनॉमिक स्टडीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो बेसिकली ये दो डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी है, और आगे फर्दर चलते हैं वेलफेयर डेफिनेशन की तरफ। तो वेलफेयर जो डेफिनेशन है वो जो दी है वो दी है प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल और दी है एसी पेजियू ने। ऐसे ही स्केयरसिटी के डेफिनेशन जो दी है वो दी है रॉबिन ने। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन दी है वो दी है पाउल ए सैमुएलसन ने। इस तरीके से आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं और ये उनके कुछ ऑथर्स हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन थी वो थी एडम स्मिथ की वेल्थ डेफिनेशन, सेकंड जो डेफिनेशन है वो वेलफेयर डेफिनेशन है जो कि एसी पेजियू एंड प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल ने दी है। स्केयरसिटी की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली रॉबिन ने दी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो है पाउल ए सैमुएलसन ने दी है। यहाँ पे बेसिकली चार डेफिनेशन है बाय चार डिफरेंट ऑथर्स। आज की जो क्लास थी उसमें हमने सिंपल सा इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखा,
जिसमें यही था कि स्केयरसिटी, मतलब स्केयरसिटी एज एन पॉइंट था कि हाँ हमने ट्वेल्थ में एक्चुअली पढ़ ही रखा है कि ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड दे आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ऐसे ही इसके अंदर कुछ चार जो डेफिनेशन थी, चार पार्ट में डिवाइड इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर फर्स्ट वन था एडम स्मिथ, जिसके अंदर हमने ये डेफिनेशन कवर करी. बाकी की जो तीन डेफिनेशन है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. फर्स्ट लेक्चर था ये आज का. बेसिकली तो मैंने आपको बहुत ही कम बातें बताई हैं आज इकोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन जो भी मैंने आपको पॉइंट्स एज एन लैंग्वेज वाइज बताया है, वो आपको ज़रूर, वो लैंग्वेज आपको माइंड में ज़रूर रखनी है, बिकॉज वही चीज़ है जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. ये एग्जाम में वो डायरेक्ट लैंग्वेज आपको सामने दिखेगी. जितनी भी मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं, जितनी भी मैंने वो लैंग्वेज लिखी है, वो लैंग्वेज आपको एग्जैक्टली एज एन सीपीटी एग्जाम में देखने को मिलेगी. तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा कराया है या एज एन थ्योरी बेस कराया है कि इकोनॉमिक्स है तो थ्योरी कराएंगे. ऐसा कुछ नहीं है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है. तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास और थैंक यू.